हाय एलिवेंट दोस्तों, मैं हूँ फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स से ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले एसएस रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपके एमपीपीएससी, रेलवे बोर्ड, बैंक पीओ, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में वेरी हेल्पफुल रहने वाला। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलो पहला क्वेश्चन, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 364 है, तो पहली तीन का औसत क्या होगा? पहली तीन का औसत क्या होगा? देखो ये कह रहा है कि चार संख्या है, एक तो ए है, बी है, सी है, डी है ना, जिनका योग क्या कह रहा हो 364। ठीक है, अब दोस्तों अपनों को यहाँ पे अगर ये औसत देता तो जल्दी निकाल लेते, औसत नहीं दिया इसने, औसत नहीं दिया। औसत देखो यहाँ पे ये संख्या एक दो तीन चार, अब चार का योग डायरेक्ट अगर सोल्व करना है, एक सेकंड में कैसे करें, देखो चार का भाग लगाए, चार नम 36, चार एकम चार 91 अपने पास प्राप्त हो गया है ना, 91 अपनों को प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 91। अब 91 दोस्तों ये जो चार संख्या है इनका औसत है, चारों का औसत है 91, ये 91 और ये संख्या है कौन सी है? सम है। तो ये अगली आएगी 92 आएगी और ये 94 आएगा, ये 91 तो यहाँ आ गया, इससे पहले ये 90 आएगा और ये आएगा 88 आएगा, एक 88 90 92 94 ये संख्या हो गई, क्योंकि 91 उसका औसत आ गया। ये 91 जो क्या है, इसका बीच का सेंटर आ गया, बीच का क्या आ गया, सेंटर आ गया। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से होगा। अब प्रश्न में पूछेगा दोस्त पहली तीन का औसत बताइए, तो पहली तीन कौन सी है? देखो एक दो और ये तीन है ना, 88 92 और इनका औसत यानी बीच की संख्या, तो आंसर आ गया अपना 90। आंसर क्या आ गया दोस्तों? 90 आ गया। औसत कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है ना, तो ये दोस्तों ऐसी शॉर्टकट ट्रिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत योग 236। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक तरीका तो मैंने आपको बताया, फिर चार क्रमागत संख्या है ए बी सी डी, ये भी सम संख्या है जिनका योग कितना है 236 है, 236। तो इसमें फिर अपन चार से डिवाइड कर दें, तो चारों पंच 20, चार नम 36, 59 आ गया। तो औसत का मतलब बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा, 59। 59 बाद ये कौन सी आएगी, 60 और ये आएगी 62, इससे पहले 58, उससे पहले 56। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 62 होगी, सबसे बड़ी संख्या पूछी तो 62 होगी। अब आ रहा अगला सवाल, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61। पांच तो ए बी सी डी ई, जिनका औसत कितना है 61। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए। अब दोस्तों औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब सेंटर की संख्या, बीच की संख्या, तो इन दो इधर चलेगी, दो इधर चलेगी, तो ये सेंटर बीच की संख्या कितनी आ रही, 61 आ रही है ना, और ये विषम संख्या 61 के बाद क्या होगा, 63 के बाद क्या होगा, 65, इससे पहले
5 9 और 5 7 57। फिर कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो उधार लिया 15 में से 7 गए तो 8 बचे, 5 5 गए 0, ये आंसर आएगा अपना 8। अंतर कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 61 और अंतर 17। देखो दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, तो योग मतलब a प्लस बी बराबर 61 और अंतर a माइनस बी बराबर 17। तो आपको संख्या पूछी कि a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, है ना। तो देखिए इनको अगर जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो यहाँ प्लस होगा और ये b से b कट जाएगा, क्योंकि b प्लस का माइनस कट गया। a ने क्या होगा 2a बराबर 7 ने 8 6 ने 7 78 और a बराबर 78 बटा 2, 2 से काटा 2 3 6 2 9 18, तो a का मान कितना हुआ 39 हुआ। b का मान निकालना है तो b बराबर होगा 61 माइनस 39, 11 में से 9 गए तो 2 5 में 3 2 22, ये a का मान 39 b का मान 22, ये दो संख्या अपनों को प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रथम 50 सम संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20, देखो क्वेश्चन अपना क्या कहता है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग औसत। इसमें दो क्वेश्चन पूछे, योग भी बताया औसत भी बताया, दो चीज बतानी है। पहली सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, दूसरी 4, तीसरी होगी 6। अब ऐसे अपन को कहाँ जाना, कहाँ तक जाना, 20 संख्या निकालनी जो सम होगी। संख्या 20 तक नहीं कहा इसने, 20 संख्याएं कहा। तो दोस्तों 20 संख्या निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 दिन कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो लास्ट संख्या अपनी होगी 40,